मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी काशी के गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। भक्तों ने सूरज की पहली किरण के साथ गंगा में स्नान किया। वहीं वाराणसी में हो रही जोरदार ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान करते नजर आए। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गुड़, तिल और चावल का दान भी किया। आज के दिन माता बहने लोग स्नान करती हैं और आज के दिन खिचड़ी दान होता है, तिल दान होता है, मिष्ठान दान और फल इत्यादि सब दान होते हैं। दान का क्या महत्व है, जो लोग दान करते हैं विशेष महत्व? आज के दिन बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन कहा जाता है माघ महीना है, माघ महीना कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी या शिवरात्रि का दिन है, इसी कारण आज के दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, पुण्य का कार्य होता है, इसी कारण दान करते हैं। ये हम गंगा घाट पे आज नहाने आए हैं जो है खिचड़ी के महापर्व पे। ये वर्षों से 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। नहान के बाद दान पुण्य भी करते, क्या है ये, आप लोग दान पुण्य भी करते हैं? हाँ करते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर आते हैं। बता दें कि इस शुभ त्योहार पर काशी के दशाश्वमेध घाट पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। माना जाता है कि इस दिन राशियों का बड़ा महत्व होता है और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके चलते सूर्य से निकलने वाली अद्भुत किरणें जब श्रद्धालुओं पर पड़ती हैं तो उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। न्यूज़ ब्यूरो।